रख हौसला बंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक्कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, MS स्टडी पॉइंट पटेड़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इकाई अंक कैसे निकालते हैं किसी भी पदों का या फिर किसी भी संख्या का या फिर किसी भी क्वेश्चन, जैसे आपका सामने लिखा हुआ है या फिर क्वेश्चन जो हम आगे लिखेंगे उनका आप इकाई अंक कैसे निकालते हैं, वो आप इस ट्रिक के माध्यम से आज सीख जाएंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, आपने बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। यदि आप इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको बताना है कि इसके सबसे लास्ट का डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होगा। अच्छा, आपको करना कैसे है ये क्वेश्चन, जैसे आपका इकाई अंक बताना है तो इसका इकाई अंक 9, इसका 8, इसका आपका 4 और इसका 3 है। आपने करना है ये कि आपने लास्ट के डिजिट का ही मल्टीपल करना है, जैसे 9 6 72 का बहत्तर। अब यहाँ से जब आप आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ आपको 2 ही लेकर चलना है, जैसे 2 6 8 कितना है 8। अब 8 की गुणा करो 3 में तो 8 3 24, तो अब बाद में आपके पास कितना है 4। ये थी 4 आपका प्योर आंसर हो जाएगा, यानी जब इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो बाद में आपका इकाई अंक होगा 4। क्वेश्चन बदलते हैं, क्वेश्चन बदलते हैं। जैसे आपका 105 × 102 × 99 बराबर इकाई का अंक बताना आपको इसमें भी। अब फिर वैसे करना है, जैसे 5 × 2 = 10 10 के लास्ट में कितना 0। अब 0 की मल्टीप्लाई आप आगे 9 में करो, उसके बाद 3 में करो, ठीक है, 9 में करो या 3 में करो, आपका उत्तर क्या आएगा 0। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपको ज्ञात है कि किसी भी अंक की मल्टीप्लाई जब आप 0 के साथ करते हैं तो वो आपका स्वयं 0 हो जाता है। और कहावत भी है कि जो 0 से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इसीलिए अगर आप 0 की मल्टीप्लाई 9 में करते हैं तो 09 0 03 0, तो आपका आंसर भी क्या होगा 0। अच्छा, अब इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन हैं वे होते हैं आपके, जैसे 221 की पावर मान लीजिए 35। पहली बात तो ये है कि अगर आप जो है किसी भी संख्या का वर्ग, घन या फिर कोई भी घात या तो विषम या सम करते हैं तो आपके पास कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो कभी नहीं बदलेंगी। जैसे आपके यहाँ पर आ गया है 1, अब 1 की पावर आप कुछ भी करो, 1 की पावर कुछ भी करो, विषम या सम कोई भी संख्या लो, 35 33 34 36 ऐसे, ठीक है ना, तो 1 के विपरीत 1 ही होगा, वर्गों में या फिर आप घन में कह लो या फिर किसी भी विषम संख्या हो या सम संख्या हो, उसके पावर का डिजिट भी 1 ही होगा, राइट। अच्छा चलो, 1 हो गया। और ऐसी कौन कौन से संख्याएं हो सकती हैं जिनके जिनका आप इकाई का अंक हमेशा हमेशा ही क्या होगा वही होगा, जैसे आपका 1 है, इसके बाद आपका 0 है, उसके बाद आपका 1 भी चलो लिख दो, उसके बाद आपका 5 है और उसके बाद आपका 6 है। ये ऐसी संख्याएं हैं,
अगर ये इस स्थान पर, किस स्थान पर, जिस स्थान पर एक उपस्थित है, यानी लास्ट की डिजिट अगर आपकी 0, 1, 5, 6 इस स्थान पर, अंतिम स्थान पर आ जाए, और पावर में या तो सम संख्या हो या विषम संख्या हो वो कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन अगर ये संख्याएं आपकी लास्ट अंक में उपस्थित कर दी जाए तो उनका इकाई अंक वही रहता है जो सामने आपके लिखा हुआ है। जैसे 0 का कुछ भी करो 0, 1 का कुछ भी करो 1, ठीक है ना, ऐसे ही 5, ऐसे ही 6, ठीक है। अच्छा, और अंक लेते हैं, जैसे आपका और दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं 223 की पावर 36, ना लो आप ले लो 38, ठीक है भैया। अब जो पावर है उस पावर को आप मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करेंगे किससे, 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 8 32 और 4 9 36, 36 बार पूरा कटा, और शेष फल आपका यहां से शेष फल आपका कितना मिला, शेष फल मिला 2। वो जो 2 मिला उसको पावर में रख दो 3 की, यानी 3 की पावर कितना 2, 3 दिया 9, यानी हम कह सकते हैं कि जब आप 223 की पावर 38 करेंगे तो लास्ट का डिजिट 9 होगा, क्या होगा 9 होगा। ऐसे ही चलो और क्वेश्चन हम आपको लेना समझाने का और भी प्रयास करते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे 344 की पावर 63, 344 की पावर 63, मेथड सेम है। क्या मेथड सेम है, आप पावर को डिवाइड करेंगे 4 से, जब 4 से डिवाइड करते हैं और जो शेष फल बचता है वही इस 4 की पावर में रखते हैं, तो 4 की पावर में रखें क्या, 4 से कटेगा 12 15 16, 60 पूरा पूरा कट गया, लेकिन अब यहाँ से मुझे शेष कितना मिला, शेष मिलेगा 3। अब वो 3 आप इस 4 की पावर में रख देंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो आपका कितना बना 64। आपको बताना है इकाई का अंक कितना है 4, तो आपका इकाई का अंक कितना हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। अब एक या दो और भी प्रश्न हम इस प्रकार का आपको समझा दें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे 198 की पावर 198 का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। सेम, बिल्कुल सेम, वही तरीका और वही सब कुछ है, बस आपको करना क्या है कि पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 चौक 16 बच्चे कितने, 3 हो गए कितने 38, और 4 नहीं हो गया आपके 36, और शेष फल मिला आपको यहाँ पर 2, शेष फल कितना बच गया 2। वो जो शेष फल है वो आप किसकी पावर में रखोगे 8 के, और 8 8 64, इकाई का अंक क्या मिला 4 मिला, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं ये आप आज के बाद क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे, और एक टाइप और भी आपके पास बचा हुआ है उसे भी कर लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन ये भी आता है कि आपका भैया इसकी पावर कोई भी संख्या आपकी ले ली जाती है, और इसमें से भी आपको या तो 10 या फिर 100 आपको घटा देना होता है, उसके बाद आपको पूछ लेता है कि अब इकाई का अंक बताओ क्या होगा, तो बड़ा ही आसान प्रश्न है ये, तो आपने करना क्या है, हमने अभी अभी आपको समझा दिया कि 4 संख्याएं ऐसी हैं 0, 1, 5 और 6,
ये चार संख्याएं ऐसी हैं जिनकी पावर आप कुछ भी करो, कितनी भी बड़ी करो, कितनी भी छोटी करो, ये हमेशा लास्ट डिजिट वही देगा। यानी 6 आपका लास्ट का डिजिट वही देगा। आप इसे पूरा भी कर सकते हैं। चलो करो, 4 से काटो, 4 6 24, अब बचा शेष 1। अब 6 की पावर अगर आप 1 लिखोगे तो 6 ही तो आएगा, तो 6 आएगा। अब इस 6 से आपको 100 घटाना है, यानी ये डिजिट लास्ट का है और ये भी डिजिट लास्ट का है, तो 6 में से 0 गया तो लास्ट में भी कितना आएगा, 6 आएगा। अच्छा जी, चलो अब अगर यहाँ पर हम कोई और संख्या ले लें, जैसे मान लो कि आप यहाँ लेते हैं 34, तो उसके बाद फिर बताओ लास्ट का डिजिट क्या होगा। जैसे अभी हमें ज्ञात हुआ कि 6 का आप कोई भी संख्या करो, पावर का तो आपका कितना आएगा 6, और 6 से आपको कितना घटाना है 4, तो आपका इकाई अंक बनेगा कितना भैया, 2। ठीक है, चलो इकाई अंक निकालना आप मेरे हिसाब से सीख गए होंगे, लेकिन एक और टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनते हैं, उन्हें भी करते चलते हैं। जैसे आपका इस प्रकार के कुछ आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे 3 3 2 4 2 √5 4 √2 और भैया 3 2। चलो ये छोटा सा प्रश्न है, ये 4 संख्या लिखी है मैंने, और ये 4 संख्याएं इसलिए लिखी हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, काफी बच्चे इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा असमर्थ है, इसलिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपका आएगा 4 प्रकार से आ सकता है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। नंबर 1, आपको पूछ सकता है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या बताओ कौन सी है। नंबर 2, पूछ सकता है सबसे छोटी संख्या बताओ कौन सी है, या फिर तीसरे नंबर पर पूछ सकता है आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो कैसे लिखोगे, और या फिर अवरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम का मतलब है, आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम का मतलब है घटता हुआ क्रम। ये 4 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है ये संख्याएं देगा। अब करने का तरीका क्या है, करने का तरीका है कि जो आपका 4 है लिख दे, उसके बाद ये जो आपका 3 है ये आपका पावर में चल जाता है। जैसे 4 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3, और भैया 5 की पावर कितनी 1/2, 2 की पावर कितनी 1/4, 3 की पावर कितनी 1/2। अब जो इनकी पावर है और जो पावर का निचला अंक है, जैसे निचला अंक का मतलब 3 2 4 2, इन संख्याओं का आप एलसीएम लेंगे, जैसे 2 2 3 4, यानी 2 2 3 4 एक ही बार ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये 3 संख्याएं हैं और इनका एलसीएम होता है कितना भैया, 12। इसका मतलब है कि इनका एलसीएम 12 है, और आप इस 12 की सभी जगह क्या करते हैं भैया, मल्टीप्लाई
कर देते हैं तो फिर देखो आपका तीन से ये कटेगा चार बार, ये कटेगा आपका छह बार, ये कटेगा आपका तीन बार और ये कटेगा आपका छह बार। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से चार की पावर चार होगा और चार की पावर जब आप चार करोगे, चार चौक सोलह, सोलह चौक चौसठ, चौसठ चौके चौसठ चौके दो सौ छप्पन, कितना भैया 256 मिला यहाँ से। अब पांच की पावर आप करोगे कितना छह, तो पच्चीस पंजे पंजे पच्चीस, पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस, एक सौ पच्चीस पंजे छह सौ पच्चीस और छह सौ पच्चीस पंजे 15,225। ओ चलो ये आपका हो जाएगा 625 गुणा 25, ये इतनी बड़ी संख्या आपकी यहाँ से आपको होता है आठ, उसकी पावर से होता है आठ और तीन, तीन की पावर छह, तो तीन की पावर छह आपका देख लो कितना होगा, तीन गुणा तीन आपकी हो जाते हैं 732। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा, जांच करते हैं अगर आपका प्रश्न होता कि सबसे बड़ी संख्या बताओ तो सबसे बड़ी संख्या 125 गुना 25, ये कहाँ से प्राप्त हुआ, इसका मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या 2√5 है सबसे बड़ी, तो आंसर ये होगा। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो सबसे छोटी संख्या 8 है और 8 संख्या किस संख्या से हमें मिली, 2 की पावर 4, यानी सबसे छोटी संख्या ये। फिर आरोही क्रम तो आप अपने आप बता ही लोगे कि सबसे आरोही क्रम का मतलब होता है, चलो मैं इधर भी देखता हूँ, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, और अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। आशा करते हैं कि आप इन क्वेश्चनों को समझ चुके होंगे, अगर अब भी आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करके आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।